मांडवी जिले की जनता जो यहाँ भारी संख्या में उपस्थित है, उन सबको मैं हाथ जोड़ के नमन करती हूँ और आप सबका इस सभा में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सब जानते हैं केजरीवाल एक बेईमान इंसान है, उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है, क्योंकि वो सिग्नेचर ब्रिज का कार्य पूरा नहीं कर रहा है। हम सब जाम में फंस जाते हैं और घंटों घंटों अपनी नौकरी पर जाने के लिए परेशान होते हैं, और कई बार जब मरीज रास्ते में हॉस्पिटल जाता है तो ना चाहते हुए भी उसे मौत के आगोश में जाना पड़ता है। ऐसे इंसान को सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। इसलिए ये जो हमने धरना किया है मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में, ये समझ लीजिए एक एक जनता जाग जाइए और घर में जाके अलख जगाइए, इस भ्रष्टाचारी केजरीवाल को जल्दी ही सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। ऐसा केजरीवाल है जिसने झूठे वायदे किए, अपने बच्चों की झूठी कसम खाई, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया, ना तो महिलाओं को सुरक्षा दी और ना ही सिग्नेचर ब्रिज का कार्य पूरा कर रहा है। घोटाले पे घोटाले कर रहा है, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रहा है, और महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। इसके मंत्रियों ने अपनी महिलाओं पर भी अत्याचार किए हैं और दिल्ली की महिलाओं के साथ भी अन्याय किया है। इसलिए आज उत्तर पूर्वी जिले की महिलाओं ने सोच लिया है, समझ लिया है, अब केजरीवाल को आने वाले समय में हम बख्शेंगे नहीं और इस सिग्नेचर ब्रिज का कार्य पूरा करके रहेंगे। पूरी दिल्ली में हम ऐसा आंदोलन करेंगे, केजरीवाल भ्रष्टाचार करके जो तुम चुपचाप चैन की नींद सो रहे हो ना, तुम्हें सोने नहीं देंगे। तुम जल्दी से या तो सिग्नेचर ब्रिज का कार्य पूरा करो, नहीं तो तुम्हें सत्ता में और इस कुर्सी पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ो, हमें ऐसे दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रहा है और दिल्ली की जनता पर की कोई भी परवाह नहीं कर रहा है। आप सोचिए कैसा मुख्यमंत्री चुन लिया है, पहले शीला दीक्षित थी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, तब से ये सिग्नेचर ब्रिज का कार्य चला आ रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं हो रहा। इसका मतलब है, आप समझ लीजिए, सोच लीजिए, हम जो आम जनता का पैसा है वो केजरीवाल के पास है। केजरीवाल जाग जाओ, आज हम अलग जगाने आए हैं, या तो सोच लो सिग्नेचर ब्रिज का कार्य पूरा करो, नहीं तो तुम गद्दी छोड़ दो। जनता जाम से परेशान है और केजरीवाल बेईमानी पर बेईमानी कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लगाते हुए एक बार मैं आप सब से कहना चाहती हूँ, इस केजरीवाल की जो बेईमानी है उसको खत्म करने के लिए आप सब एक हो जाइए और सोच लीजिए, सिग्नेचर ब्रिज का कार्य पूरा कराना है और हम सबको एकजुट होकर के नारा लगाना होगा, केजरीवाल बेईमान है और इसको सत्ता से उखाड़ फेंकना है। जय हिंद, जय भारत।